संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। ये मुमकिन हो सका क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक और इस मामले में हर बार वीटो लगा देने वाले चीन ने अपने रुख में बदलाव किया। इससे पहले जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने पर चर्चा हुई तो चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर ऐसा होने से रोक दिया। करीब 10 साल से चीन का यही रुक रहा है। इस दौरान उन्होंने हमेशा यही कहा है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए और ऐसे फैसले तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वक्त और सब्र के साथ काम किया जाए और सभी सदस्यों में सहमति बने। भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे पहले 2009 में मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद रखा था। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 27 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी बाद में इस तरह का प्रस्ताव लाया, जबकि एक और 27 सदस्य रूस अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करने का वादा करता रहा है। चीन को अकेला छोड़ते हुए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से भी ज्यादातर इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए थे। चीन की इस बात के लिए निंदा होने लगी कि वो पाकिस्तान स्थित इन चरमपंथी का समर्थन कर रहा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। लेकिन जब सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध कमेटी मसूद अजहर के मामले में आमराय नहीं बन सकी तब फ्रांस ने इस मामले में अगुवाई करते हुए खुद ही मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। इससे चीन और अलग थलग पड़ गया। भारत में इसी साल फरवरी में पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध कमेटी की मार्च में हुई बैठक में ये प्रस्ताव फिर से रखा, लेकिन चीन ने आखिरी समय पर एक बार फिर इस पर तकनीकी रोक लगा दी और ये मुद्दा एक बार फिर 6 महीने के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। ये चौथी बार था जब चीन ने तकनीकी रोक लगाई थी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने इस मसले पर चर्चा करने के लिए कहा था, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद चीन के विदेश मंत्री और भारत में उनके राजदूत इस मुद्दे का जल्द समाधान निकालने की बात करने लगे और 6 हफ्ते के अंदर ही चीन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन चीन का ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि चीन की ओर से बार बार लगाई जा रही इस तकनीकी रोक को देखते हुए ट्रंप प्रशासन, जिसका चीन के साथ पहले से व्यापार युद्ध चल रहा है, ने पिछले महीने सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर बहस करने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिका ने कहा था कि यह बहस सुरक्षा परिषद की टेबल पर होनी चाहिए। अमेरिका के इस प्रस्ताव ने चीन को परेशानी में डाल दिया क्योंकि अब चीन को अपना रवैया सार्वजनिक रूप से रखना पड़ता। इससे पहले वो प्रतिबंध समिति के बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बैठकों में अपनी बात रखता था, जिससे ये पता नहीं चल सकता था कि इस मामले में चीन दरअसल क्या कहता था। इस तरह का दबाव बनता देख पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मसूद अजहर बहुत बीमार है और अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक उन्हें कोर्ट में घसीटा नहीं जाना चाहिए। इससे चीन और पाकिस्तान, खासकर वहां की खुफिया एजेंसी ISI और सेना को ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि क्या मसूद अजहर अब उनके किसी काम के नहीं रहे और क्या वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडों के बजाय एक बोझ बन गए हैं। ये भी दिलचस्प है कि चीन ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन की बेल्ट एंड रोड समिट में हिस्सा लेकर बीजिंग से लौटे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीन के कई नेताओं से मुलाकात की थी। जाहिर है इस दौरान मसूद अजहर पर भी निश्चित तौर पर बातचीत हुई होगी। हालांकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपना फैसला तो बता दिया, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम नुकसान हो इसके लिए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई और अपनी पार्टी लाइन को दोहराते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस मसले का उचित समाधान निकाला जाना चाहिए। चीन की परेशानी को और बढ़ाते हुए पेरिस स्थित FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पिछले एक साल में पाकिस्तान पर नकेल कसते हुए उसे अपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया और उसे जून तक काली सूची में डालने की भी चेतावनी दी। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। FATF ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी धरती पर विभिन्न चरमपंथी संगठनों की आर्थिक फंडिंग रोकने में नाकाम रहा। चीन फिलहाल FATF का उपाध्यक्ष है और अक्टूबर में अध्यक्ष बनने वाला है। चीन ने पहले फैसले में इस बात का भी ध्यान रखा होगा।
इसके अलावा भारत की हाल ही में की गई राजनयिक कोशिश, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद विरोधी अभियान को भी सराहने की जरूरत है। इसके तहत मोदी चीन समेत सभी महान शक्तियों से सक्रिय है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर पूर्ण जोर तरीके से उठाते रहे हैं। आखिर क्या होगा मसूद अजहर का? मुंबई में 26/11 के चरमपंथी हमले के बाद ओबामा प्रशासन ने 2012 में हाफिज सईद के बारे में पुख्ता सबूत जुटाने वाले को, जिससे उन्हें सजा दी जा सके, $1 करोड़ का इनाम देने का वादा किया था। पाकिस्तान में इतनी गरीबी के बावजूद कोई भी इस इनाम के लालच में नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की सरकार ने कई बार हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया था और अदालतों ने भी उन्हें सभी मामले से बरी कर दिया। हाफिज सईद न सिर्फ पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे, बल्कि उन्होंने वहां पर एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली। इस पार्टी में पिछले साल जुलाई में हुए चुनावों में नेशनल असेंबली के लिए 80 उम्मीदवारों और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 185 उम्मीदवारों को उतारा था। मसूद अजहर की किस्मत भी इससे कुछ अलग नहीं होगी।